महादेव सटायब के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को अहम दस्तावेज सौंपा है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ईडी को दस्तावेज दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि अरबों खरबों के इस लेन देन पर दुर्ग पुलिस से जानकारी भी मांगी थी, इस पर हमने अपनी ओर से कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं और कहा है कि इस पर भी जाँच की जाए। हमने ईडी से कहा कि अरबों खरबों की ये लेन देन पिछले दिनों दुर्ग से उन्होंने जानकारी भी मांगी थी, आज हमने अपनी तरफ से कुछ दस्तावेज थे उन दस्तावेज को ईडी ऑफिस में दिए हैं, हमने कहा इस पर भी जांच की जाए। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस ने ईडी को बीजेपी का षड्यंत्रकारी एजेंसी बताया, साथ ही यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ईडी जांच एजेंसी नहीं बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी है। असीम दास के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया गया था। इसके बाद असीम दास ने कोर्ट में अपने बयान में इसका खंडन भी किया था। उन्होंने कहा कि अब असीम दास का बयान झुठलाने के लिए ईडी जेल अंदर जाकर उसका बयान ले रही है, ऐसे में थर्ड डिग्री वाले बयान या कोर्ट के बयान किसे ऑथेंटिक माना जाए, सभी बयानों से साफ होता है ये ईडी का षड्यंत्र है, पुरजोर तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुठलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है, तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ होता है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है, पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईडी के माध्यम से षड्यंत्र कर रही है और इस अब देश की जनता ईडी के षड्यंत्र को समझ चुकी है और पश्चिम बंगाल में तो इसकी जनता को ज़्यादा इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।